स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा। कृपया अगले आधे घंटे तक बने रहें हमारे साथ और लाभ उठाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाने वाली पेट केयर संबंधी ढेरों नई नई जानकारियों का। इसके अलावा आपके पेट संबंधित कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के परिचय के साथ। हमारे पहले वेटरनरी एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर जय जुलियानी। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दूसरे विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर विपिन शर्मा। डॉक्टर विपिन शर्मा आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर विपिन एक कॉल हमारे पास आ चुकी है हमारे एक पेट लवर की, उनकी कॉल को हम पहले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो डॉक्टर, नमस्कार जी। सर अपना परिचय देंगे। सर मैं रतन बनीवाल हंजीरा सिरका से। सर जी जी स्वागत है, बताएं। सर ये हमारे एक डॉगी है गुली में, सर की उसकी बैठी हमने पास में महीने की 30 तारीख को करवाई सर। जी तो सर उसमें जैसे आज जी 7 दिन हो गए सर, तो वो 61 दिन लेती है, 62 दिन लेती है, डिलीवरी के टाइम में कितना टाइम लेती है सर? देखिए ये एवरेज 62 दिन होता है, लेकिन इसमें 4 दिन 5 दिन आगे पीछे संभव है। आप कृपया दोबारा बता सकते हैं कौन सी भीड़ है ये? ये सर पार्सल महीने की जैसे 21 तारीख को बैठी करवाई थी। ब्रीफ ब्रीफ डॉक्टर साहब ब्रीफ जानना चाहते हैं। और गुल्ली है सर? अगर गुल्ली नहीं डॉक्टर नहीं गुल्ली है सर, सिर्फ गुल्ली। अच्छा इसमें कभी कभी बड़ी ब्रीड्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो बड़ी ब्रीड्स होती है उसमें थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा सर जी, तो ये सर नहीं नहीं मेरे कहने वाला जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 62 दिन से कभी कभी 65 दिन तक भी चला जाता है। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके और पशु चिकित्सक से मिलें, उनसे उसका एग्जामिनेशन करवाएं और अगर संभव है तो उसका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए ताकि दिक्कत उसकी है नहीं। सर आप भूख नहीं लगी सर उसको, दो दिन से खाना कम खा रही है, उसको हमने बिल्कुल दिया है वो दही दूध पहले मेरे लिए मेरे खिलाफ नहीं जा रही सर्दी कभी बैठ जाती है सर। तो फिर आप इसका जरूर एग्जामिनेशन कराएं क्योंकि ये तो संभव है कि जैसे जैसे पैचुरेशन की तरफ बढ़ती है तो खाना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इस तरह नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाए, तो हो सकता है इसका टेम्परेचर डॉक्टर साहब लेके देखें और देखें कोई इन्फेक्शन हो सबसाइड या फिर कोई अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, अंदर कोई फिटल डेथ हो रही हो, कोई डिस्चार्ज आ रहा है किसी तरह का उसमें? नहीं नहीं और कुछ नहीं है सर, सही है। थोड़ा मान लो बैठ जाती है, सबसे जल्दी घूमती है, सुबह थोड़ा थोड़ा बैठ जाती है और खाना दो दिन से कम ले रही है सर वो बिल्कुल, तो हम बिल्कुल दे रहे हैं बिल्कुल दे रही है सर वो पहले दही और वो देते सर हम उसको दूध में उबाल कर थोड़ा पार कर देते थे उसको दूध। देखिए खाना कम होना स्वाभाविक है, लेकिन बिचेस जो है वो कभी सुस्त नहीं होती, मतलब पैचुरेशन से पहले ऐसा नहीं कि वो सुस्त हो जाती है कोई, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कोई परेशानी है इसको। और एक तो इसका ये साइड इफेक्ट है कि सर एक तो डॉक्टर के हम जैसे एक्स्ट्रा उसको दवाई या कोई इंजेक्शन लगता है उसके पहले कोई ऐसा सर जिसकी एक्सरे की टाइम पहले जिसको खतरा ना हो? नहीं नहीं देखिए इसमें बिना देखे कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, इसके लिए आप उनका एग्जामिनेशन कराएं। सबसे पहले ये देखिए कहीं बुखार हो कोई और प्रॉब्लम हो, क्या आपका अंदर से डिस्चार्ज आ रहा हो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बिचेस कई बार अपने डिस्चार्ज को चाट लेती हैं, कभी कभी ग्रीन डिस्चार्ज आता है ब्लैक डिस्चार्ज आता है, इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर फीटल डेथ हो गई है, किसी बच्चे की डेथ हो गई है, तो ऐसे में वो अपना जो डिस्चार्ज है उसको अगर चाट ली तो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। जी तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से मिलके सबसे पहले टेम्परेचर लीजिए, अगर वो एडवाइस करते हैं तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए और उसके आधार पे निर्धारित करेंगे कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। जी जी क्या रिएक्शन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में क्या रहेगा। खास अपने हर कार्यक्रम में हम बीमारी विशेष के ऊपर चर्चा करते हैं। आज अपने पेट्स को होने वाली जिस बीमारी के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है डेंटल प्रॉब्लम या इससे संबंधित बीमारियां। इसके अलावा फोकस सेगमेंट के बारे में आप जानते ही हैं, फोकस सेगमेंट में हम ऑडियो विजुअल्स के जरिए किसी खास ब्रीड के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो आज जो ब्रीड हम लेकर आए हैं फोकस सेगमेंट में वो है रॉटवाइलर। रतन जी की तरह यदि आपकी भी कोई व्यक्तिगत समस्या हो अपने पेट्स को लेकर तो आप भी हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। इस दौरान राजकुमार जी दरभंगा बिहार से माता जुड़े हैं, चलिए पहले उनकी कॉल लेते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर नमस्कार। जी स्वागत है, बताए सर क्या क्या राय चाहते हैं आप? जी सर हमारे पास एक लैब्राडोर डॉगी फीमेल है, उम्र कौन बता दें? वो 2.5 साल की है। ओके। वो अप्रैल मंथ में जो है वो बच्चा हुआ था उसको। जी और फिर से जो है अभी देख रहे हैं कि मेंस जो है हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस जो बताया गया था कि ऐसे होगा तब ये मीटिंग कराना वैसा नहीं हो रहा। जी तो उसका जी ऑर्डर है
जी यही पूछना था कि ये इतना कम समय अभी अप्रैल में हुआ था, तो अभी मैटिंग कराना सही होगा हमारे कुत्ते के सेहत के लिए या नहीं? नहीं, अभी अप्रैल में अगर उसने डिलीवरी किया है फीमेल आपके डॉग ने, तो उसको हम लोग 6 महीने का रेस्ट टाइम देते हैं। अगर उसको जब नेक्स्ट अपने सीजन में आएगी तो आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं। अभी एडवाइज नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि इससे डॉग को यूट्राइन इन्फेक्शन या यूटीआई हो सकता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसको 6 महीने का टाइम आप दीजिए, जब वो नेक्स्ट टाइम अपने सीजन में आएगी तो आप जरूर उसको मेटिंग करवा सकते हैं। जी। तो अगर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहें तो आप बेशक हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए हमारा स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 2309753230975322। दिल्ली के बाहर से या मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं तो कृपया इससे पहले 01 लगाना ना भूलें। डॉक्टर विपिन शर्मा, जैसा कि हमने चर्चा की है कि आज के कार्यक्रम में पेट्स को जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दांतों से संबंधित? हेलिटोसिस, इसमें क्या है, डॉग को स्मेल बैड फील होती है, ये जनरली 4 या 5 ईयर्स के बाद शुरू होती है। ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा देखने वाली डिजीज है, इसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं जी। और उसके अलावा पेरियोडोंटिस है, डेंटल ट्रैक्टर जिसे प्लैक सिंपल टर्म में बोलते हैं वो, और कभी कभी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है तो फिशुलास हैं, जिंजिवाइटिस। और ये जिंजिवाइटिस की शुरुआत एक्चुअली पेरियोडोंटल डिजीज से ही होती है जी। और इसमें डॉग को धीरे धीरे सलाइवा बढ़ता चला जाता है, उसका सलाइवेशन धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा और वहाँ एक हल्की हल्की स्मेल दूर से आने लगती है, मतलब दूर से ही पता चल जाता है। चलिए डॉक्टर विपिन, पहले विजय जी की कॉल लेते हैं। विजय जी कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं। जी विजय जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार सर, आपके टीवी का वॉल्यूम पीछे खुला है सर। विजय जी सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम कृपया बंद करें जी। हाँ आप बताएं क्या सलाह चाहते हैं सर? मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं था क्या मैंने पूछा कि ट्रीटमेंट के दौरान शायद उसकी मृत्यु हो गई और रीजन क्या है? डॉक्टर ने लेकिन क्या उसका कुछ ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने कि उसका बिना ऑपरेशन के उसका डेथ हो गया? किस चीज के लिए, क्या प्रॉब्लम क्या थी उसको? उसको डिलीवरी नहीं हो रहा था या कुछ और प्रॉब्लम था उसको? उसका अंदर ही वो बच्चे से था, वो टच किया था उसका मिल्क नहीं आ रहा था। अच्छा, तो इसलिए उसको सलाइन पे डाला? हाँ सलाइन में उसका हो गया। उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, कुछ एक्सरे या कुछ अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने डॉक्टर साहब ने? एक्सरे किया था सर, वो थोड़ा बैक था इसलिए एनेस्थीसिया दिया, वो अबॉर्शन हो गया उसका। अबॉर्शन हो गया और फिर मिल्क का डेथ हो गया? देखिए इसमें कुछ यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि फीटल डेथ हो जाता है और वो टाइमली ठीक नहीं होता है, अंदर टॉक्सिनिया हो जाता है फीमेल को, फीमेल डॉग को, और उसकी डेथ हो सकती है इस कंडीशन में जी। तो अगर उसको आप थोड़ा अर्ली डायग्नोज कर सकते थे आपके डॉक्टर साहब, तो हो सकता था कि आपकी फीमेल डॉग की जान बच सकती थी जी। इसलिए सीधे टॉक्सिनिया केस है जो इजीली फीमेल से हो जाता है जी। विजय जी कोई और जानकारी क्वेश्चन आपका? विजय जी धन्यवाद विजय जी। डॉक्टर कुलियानी, जैसे अभी डॉक्टर विपिन शर्मा ने बताया कि क्या क्या बीमारियां दांतों से संबंधित हो सकती हैं जी, उसके बाद जो दिमाग में बात आती है कारण क्यों होती है। देखिए यूजली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में एक चपाती और रोटी, रोटी और दूध इजीली अवेलेबल होता है जी। तो हम लोग अपने पेट्स को, अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को ये फूड ज्यादा देते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल टाइप है। तो उसमें क्या है कि ज्यादा फाइबर नहीं है, ज्यादा कुछ च्यू करने के डॉग को करना नहीं पड़ता है तो उससे डॉग के दांतों में टाटर आ जाता है
और उससे क्या होगा, टाइफाइड आने से इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड डिफ्यूज हो जाते हैं और उससे एलिटोसिस होता है, जिसको हम बैड ब्रेथ बोलते हैं। ओके, ये मेन रीजन है। हम लोग डॉग्स को बोन्स भी देते हैं, लेकिन आजकल काफी सॉफ्ट बोन्स मिलती है मार्केट में, तो हम लोग हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर से सोचते हैं, नोट्स लोग भी सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ सॉफ्ट देंगे अपने डॉग को खाने के लिए। और प्लस कमर्शियल डाइट आजकल अभी तक नहीं लोग खिलाते हैं, कम लोग खिलाते हैं। 50% जो पॉपुलेशन है वो कमर्शियल डाइट के ऊपर है, 50% होम कुक डाइट पर है। सो जो डेंटल प्रॉब्लम होती है मोस्टली उन डॉग्स में होती है जिनको हम लोग होम कुक डाइट खिलाते हैं जी। इनकी जो डाइट है वो डिवाइड है बोन्स पर और दूसरी फाइबर्स पर, वो जो नहीं दिया जाता है उससे उनको डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है जी। डॉक्टर विपिन शर्मा, आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर देखा जाता है कि समय की कमी होने की वजह से हम अपने पेट को सुबह खाना डाल दिया उसके बर्तन में, दो तीन घंटे नहीं खाया तो कोशिश यही होती है कि इसको झटके रख दो, थोड़ी देर बाद फिर ये खिला देंगे। आपको क्या लगता है कि इससे सिर्फ पेट की बीमारियां हो सकती हैं या दांतों की भी बीमारियां हो सकती है? दांतों की बीमारियां भी इसमें संभव है। हम हमारे सभी क्लाइंट्स को ये सलाह देते हैं कि अगर डॉग खाना खा रहा है जी, जैसे आपने खाना रखा तो विद इन हाफ एन आवर अगर वो नहीं खाया तो उसने उस खाने को डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं से, क्योंकि खाना जो है वो बीइंग ए पेरिसेबल आइटम वो डिस्ट्रॉय होता है जी, उसमें फिर इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं, तो वो हमें मतलब दांतों से लेकर और कैविटी से लेकर और इंटेस्टाइन में कहीं भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए वासुदेव जी से बात करते हैं, ये नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं जी। नमस्कार वासुदेव जी। और जी जो 3 साल का है, ओके, उसको रिजल्ट अच्छी है, अभी तक कोई प्रॉब्लम था नहीं। ओके, परसों के दिन उसके पेशाब बंद हो गया जी, उसके डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने यूरेथ्राइटिस बताया। क्या करके बताया? यूरेथ्राइटिस, यूरिन इन्फेक्शन। तो यूरिन इन्फेक्शन है लेकिन उसमें यूरिन आउटपुट तो बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपके डॉग को कुछ प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, मेल डॉग है आपका? मेल डॉग है। कितने साल का है? 3 साल का। और कौन सा ब्रीड है? लैब्राडोर। देखिए मेल डॉग्स में 2-3 प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जिसके अंदर यूरिन में यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। पहला है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, दूसरा है कैल्कुलाइज, अगर उसके यूरिनरी पैसेज में पत्थर है जो उसके यूरिन को ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से उसको पेशाब नहीं आ सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे। प्लेन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिनरी ब्लॉकेज नहीं होता है। आप ये 2 चीजें आप कंफर्म करवाइए और फिर बताइए। उसके दोनों टेस्टिकल्स इंटैक्ट है, बाहर की तरफ है ना, कभी कभी अंदर रहने से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जी। इंफेक्शन बोला है लेकिन मैं नाइट्रोफिलामिन दिया था। ओके, 100 mg पीरियड जी, 2 दिन हुए पेशाब कुछ खुला। अच्छा, तो उसका कंट्रोल नहीं है पेशाब पर, बहुत कंट्रोल नहीं है। अब अपने आप ही करता है? कभी कभी करता है, कभी नहीं करता है, कभी बाहर जाके करता है। तो आप एक इन्वेस्टिगेशन करवा लें, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का केस हो सकता है। अच्छा अच्छा, आप उसका एक एक्सरे करवा लें, और अगर अल्ट्रासाउंड की सुविधा आपके पास है, आप कहाँ रहते हैं? नांदेड़ सिटी है नांदेड़। अच्छा, वहां पर आपके डॉक्टर साहब के पास उनके दवाखाने में अल्ट्रासाउंड की सुविधा है? नहीं है। एक्सरे है? नहीं। तो आप कहीं और सेकंड ओपिनियन लीजिए, आप एक वो तो परमानेंट यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, तो जाइए। आपका आपका पैर क्या आप उसे प्यार करते हैं इतना तो आप कह सकते हैं उसके लिए। तो आप जाइए इन्वेस्टिगेशन करवाइए और फिर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगले सप्ताह जो दूसरे डॉक्टर आएंगे उनसे बात करके आप बताइए उनको कि क्या रिजल्ट निकला उसके इन्वेस्टिगेशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका? थैंक यू जी वासुदेव जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर कुलियानी जी, जैसे रिकमेंड किया जाता है कि हमारे रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है जी, और अपने पेट्स को तो मैंने बहुत ही, कोई 100 में से 1 व्यक्ति होगा जिसको मैंने ब्रश करते देखा होगा जी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया आजकल, आजकल हमारी जो पेट्स पॉपुलेशन है उनके लिए ऐसे टूथपेस्ट बनाए गए हैं, और उनके खाने मिला दीजिए, आजकल जो लास्ट मील होता है उसको स्मेल करेगा जी, और पूरा कार्टन वहां नहीं जमेगा, और प्लस कुछ मेडिसिन ऐसी आती है आप 5-6 ड्रॉप लेकर उनके वाटर बोल में डाल दीजिए। ओके, वो पानी पिएगा, वो स्मेल दवाई इसको करेगा और कार्टन नहीं जमेगा जी जी। तो बहुत आजकल माता अच्छी मेडिसिन है जी, जो कि अवेयरनेस हम लोग अपने एजुकेशन देते हैं क्लाइंट्स को, और वो लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। काफी डॉग्स
जो है काफी बेनिफिटेड है इस दवाई से, इस टेक्निक से। ओके जी डॉक्टर विपिन शर्मा, ये बताएं कि हमारे पेट्स को और बीमारियां तो लगती रहती है, लेकिन जो दांतों की बीमारियां उसके लिए आप किसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, पेट ओनर को या पेट को? मैं पहले डॉक्टर साहब की जो बात है उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आजकल मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल है, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि यार बचपन से जब कोई पपी आता है, बहुत छोटा तो डेढ़ दो महीने का, ढाई तीन महीने का पपी आता है, तो तभी से आप इसको टूथपेस्ट की आदत डालिएगा। ओके, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अभी आ गए हैं, अगर आप शुरू से इसको टूथपेस्ट की आदत डालेंगे तो बड़ा होकर कभी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, आपको वो करने देगा। बल्कि कुछ ऑनर्स हमारे इतने ऐसे रेगुलर हैं टूथपेस्ट को लेके कि वो डेली टूथब्रशिंग कर रहे हैं जी जी, उसका उनको ये बेनिफिट मिलता है कि 8 ईयर 9 ईयर प्लस 10 ईयर प्लस तक में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने की जा रही है। चलिए तो ये झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कॉलर जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर अपना नाम बताएंगे? पीछे का बुनिए वो टेढ़ा हो, सर जब वो चलता है तो वो थोड़ा टेढ़ा अंदर की तरफ घूम जाता है। सर आपके टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे प्लीज। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे प्लीज। हाँ प्रश्न दोबारा से पूछे डॉक्टर सुन नहीं पा, मेरे पास एक गर्दन से फोन मेल लगा था इस मार्क का, तो उसका जो लेग है जब चलता है तो वो अंदर की तरफ घूम जाता है, तो टेढ़ा हो गया है। ओके क्या दिक्कत आती है? उसका पीछे का लेग सर टेढ़ा हो गया है। दोनों पैर में प्रॉब्लम है, एक में है? पीछे की टांगों में प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, दोनों पैरों में है या एक में है? राइट साइड की है। राइट साइड की है। इसमें ना आप कैल्शियम का कोई अच्छा सोर्स दे रहे हैं उसको? ये सर कैल्शियम का पाउडर बनाने दिया है उसको, और पाउडर बना दिया है उसको। वो आपने कब शुरू किया, किस एज में शुरू किया? सर हम उसको 4 मंथ से, जब 4 मंथ का था तब से इसको चालू किया। थोड़ा लेट है ये, जनरली कैल्शियम हमें 2 मंथ से इश्यू कर देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने तक जो नॉर्मल डाइट है वो सफिशियंट होती है, लेकिन उसके बाद कैल्शियम हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए देखिए कैल्शियम के लिए आप ह्यूमन प्रिपरेशन मत यूज करिएगा डॉग्स में, क्योंकि डॉग के कैल्शियम में और ह्यूमन कैल्शियम में थोड़ा डिफरेंस है। ह्यूमन कैल्शियम में फॉस्फोरस की जरूरत नहीं पड़ती, बट डॉग्स के लिए जो कैल्शियम आता है उसमें फॉस्फोरस और विटामिन D3 एक दो चीजें और होती है, तो उसमें आप आप इसको सॉफ्ट ब्लॉक पे मतलब अच्छी जगह पे इसको घुमाने ले जाते हैं या कहीं रोड के सहारे या हार्ट रोड इसको ऐसा करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि आपके आसपास कहीं कोई कच्ची जगह हो जहाँ पार्क हो गया, लॉन हो गया हो, या खेत के रोड के साइड में जो किनारे कच्ची जमीन होती है वहां से वॉक कराइए। कैल्शियम का इसका मात्रा जो है वो डॉक्टर साहब से चेक करवा लीजिए, और एक क्या जर्मन सेफर्ड जो उनके पीछे वाले पैर जनरली वीक होते हैं, और उसके लिए ना अगर ये चीजें पर्याप्त नहीं होती तो उसमें वैसे क्योंकि हम थोड़ा लेट है 6 महीने की एज तक अगर पैर में कोई भी डिफॉर्मिटी होती है वो ठीक हो जानी चाहिए, वरना वो बाद में कैरी हो जाती है कभी जिंदगी भर के लिए। तो अभी आसपास कहीं किसी डॉक्टर से मिलकर आप पशु चिकित्सक से मिलकर इसका एक्सरे करवा लीजिए, और साथ ही साथ ये 2 चीजें मैंने बताई आपको कि तो सॉफ्ट ग्राउंड पे चलाना शुरू करिए और कैल्शियम की मात्रा जो है उसको रेगुलेट करिए। अच्छा प्रोटीन भी इनको करीबन 32% प्रोटीन चाहिए इनके खाने में, तो जनरली वो हम दे नहीं पाते क्योंकि हम ज्यादातर हमारा घर का खाना देते हैं तो वो इतना पर्याप्त नहीं होता। ये 2 चीजें करके आप किसी वेटरनरी डॉक्टर से मिलकर इतना एक्सरे करवाइए, हो सकता है कोई बोन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है कोई इसका जेनेटिक प्रॉब्लम हो, डिस्प्लेसिया हो या कोई और किसी तरह ये डिफॉर्मिटी हो उसके कारण ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ संभावना ये है कि एक ही लैग में है ये, तो संभावना ये ज्यादा है कि हो सकता है बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो अब वक्त हो चुका है हमारे फोकस सेगमेंट का,
दांतों से संबंधित और भी क्या बीमारियां हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रॉक मिलर के ऊपर ऑडियो वीडियो के साथ आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रॉटवाइलर डॉग, जिसका ओरिजिन जर्मनी है। ये डॉग हम बहुत ही कम लोगों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये इस डॉग को रखने के लिए आपको प्री पेड काउंसलिंग चाहिए होता है। पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक फीमेल रॉटवाइलर के साथ एक बेबी रॉटवाइलर है। इन डॉग्स की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं और थोड़े से अनमैनेजेबल है। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप एक प्रॉपर ट्रेनर लें और इसको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक फीमेल रॉटवाइलर जो की प्रेग्नेंट है वो सीढ़ियां उतर रही है। यूजली हम लोग बहुत ध्यान रखा जाता है इस कंडीशन के अंदर, और इनका लीटर साइज भी होता है वो 8 से 9 पपीज का होता है। इस ब्रीड को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग आती है जो आपको कैरी आउट करना चाहिए, और इस ब्रीड को रखने से पहले एक प्री पेड काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हम सभी लोग को एडवाइस करते हैं कि अगर आप डिसाइड करते हैं एक रॉटवाइलर को घर पे रखने के लिए, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजली हम लोग देखते हैं कि जब रॉटवाइलर रखा जाता है उसके 5-6 महीने के बाद 1 साल के बाद लोग इसको अडॉप्शन के लिए दे देते हैं, क्योंकि ये डॉग थोड़ा सा अनमैनेजेबल है और एग्रेसिव हो जाता है टाइम्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रॉटवाइलर की बेबीज हैं, देखने बहुत क्यूट और बहुत अडोरेबल लगते हैं, लेकिन जब आप इनको रखते हैं तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर उसकी केयर, प्रॉपर हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है इन बच्चों का और साथ में फीमेल डॉग का भी, क्योंकि आजकल काफी बीमारियां हैं जो कि वायरल डिसीज होते हैं और हवा से फैलते हैं। तो आप जब आपका रॉटवाइलर पपी 4 हफ्ते का हो जाता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप उनको वेटनरी हेल्थ में ले जाएं और उनको वैक्सीनेशन लगवाएं, जो कि जिसको हम पपी डीटी बोलते हैं, डिस्टेंपर पारो वायरस। मोर्टेलिटी रेट रॉटवाइलर्स में मोस्टली पारो वायरस से होता है जी। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और पपीज को टाइमली वैक्सीनेशन लगवाएं। ओके जी, इस दौरान गुरमीत जी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो गुरमीत, गुरमीत जी सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं क्या सलाह चाहते हैं? सर मेरे एक डॉगी है, उसके अंदर उसकी जो मॉम थी वो जर्मन शेफर्ड थी। ओके, तो उसके इलाज का जो रिजल्ट था वो डायरा था। ओके, जी एक बार अगर आपके डॉग को लिवर का प्रॉब्लम हुआ है और उसके बारे में उसको रिलैक्स हो रहा है उसका, तो आपको उसका डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग यूजली एडवाइस करते हैं कि वीट और वीट बेस्ड डाइट जो होता है वो लिवर प्रॉब्लम मत दीजिए, क्योंकि उसमें शैलो कैलोरीज है, ग्लूटेन है, जिससे काफी एलर्जीज होती है। अगर आप अपने पेट को एक हेपेटिक सपोर्टिव डाइट देंगे जो कि आजकल हर वेटनरी केयर पे सेंटर पे अवेलेबल है, और प्लस उनको लिवर टॉनिक्स और सप्लीमेंट्स देंगे जो कि लिवर को सपोर्ट करते हैं, तो उससे इसका ये जो रिकरेंस हो रहा है, रिलैप्स हो रहे हैं उसका ऑफ हेपेटाइट का, ये बहुत ही कम हो जाएगा। और उसका वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस आप टाइमली लगवाएं, डिवॉर्मिंग टाइमली करवाएं। अगर आप ये कैरी आउट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके डॉग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा जी। सर कोई और जानकारी जानकारी आप चाहें? जी धन्यवाद आपका डॉक्टर विनीत शर्मा। ये देखा जाता है कि घर में हम अपने बच्चों की जितनी भी केयर कर लें, इसके बावजूद उन्हें छोटी मोटी बीमारियां दांतों की भी हो जाती हैं, लेकिन ये देखा जाता है जो होमलेस हैं, बाहर हैं, कोई केयर करने वाला नहीं, उनको ये बीमारियां करनी होती, जबकि उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं। हाँ, ये देखिए नेचुरल कंडीशन में एक स्ट्रे डॉग अपने पास एक बॉन्ड, नेचुरल बॉन्ड जो की जो एनिमल्स वगैरह मरते हैं उनकी, वो बॉन्ड कहीं से उठा के लेके आते हैं। ओके, और उसको चलाते रहते हैं, और जब वो थक जाते हैं या फिर कोई और आ जाता है, ड्यू टू कोई और एनिमल आ गया है, छुप जाते हैं, डर जाते हैं, वो छुपा के जमीन खोद के उसके अंदर उसको बैठ के रख देते हैं जी। फिर दोबारा थोड़े टाइम बाद में आएंगे उसको, और वो उसको वापस खोद के वापस निकालेंगे, पिटू पिटू करके उसको चलाते रहेंगे जी। तो ये जो एक्चुअली जैसा हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें इसका नक्शल एक्सट्रैक्शन भी कट्स भी यही है कि डॉग्स को ना हार्ड डाइट्स जरूरी है, हार्ड बोन्स च्यू करने के लिए हार्ड चीजें बहुत जरूरी है, ये उनकी डेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी। और जब वो ऐसा करते रहते हैं हार्ड चीजों को, जैसे बोन्स हो गई या च्यू स्टिक्स हो गई,
तो उनकी जो डेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। जी नागपुर महाराष्ट्र से एक और कॉलर जुड़ी है हमारे साथ। हेलो, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर विपिन शर्मा, और क्या जानकारी देना चाहेंगे इस संबंध में आगे, जो होमलेस की आदत? होमलेस में ये नेचुरल कंडीशंस में उनका ये एक बोन अपने साथ रखेंगे, हमेशा उसको चबाते रहेंगे, छुपा के रख देंगे, वापस चबाएंगे, तो ये इससे नेचुरल वे, ये इनका प्रकृति का अपना एक मेथड है कि वो डेंटल हेल्थ अपनी अच्छी मेंटेन करके रखते हैं। ओके ओके जी, संतोष जी से बात करते हैं। संतोष जी केरला से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो संतोष। हेलो जी, वेलकम टू द शो। जी मेरे पास अभी लाल रोग है, ओके, तो अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी बाल बहुत ज्यादा खिल रहा है, पूरी बॉडी से या किसी खास जगह पर? पेट के ऊपर से। ओके, सिर्फ पेट के ऊपर? पेट के ऊपर। जनरलाइज हेयर लॉस नहीं है उसको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और 5 महीने का है? 5 महीने का है। आपने चेक किया उसकी बॉडी पे एक्टर कर रहा इंफेस्टेशन तो नहीं है उसको? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऊपर से आ रहा है। तो आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? हाँ जी, शैम्पू कौन सा यूज करते हैं? और डाइट इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप क्या डाइट देते हैं उसको? मैं तो अभी रॉयल कैनिन के फूड देता हूँ। ठीक है, रॉयल कैनिन अच्छा डाइट है, कंप्लीट और होलसम डाइट है आपके लिए। आप उसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, प्लस उसको अच्छे शैम्पू से नहाइए, दिन में 10 बार डेली ब्रशिंग कीजिए उसको, और डिवॉर्मिंग टाइम से करवाइए। अगर उसको जनरल हेयर लॉस नहीं है, इंचिंग नहीं है, और उसके सिर्फ स्टमक से बाल गिर रहे हैं, तो काफी नॉर्मल रहता है और उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा जब तक वो बड़ा होता जाएगा, तो कुछ घबराए नहीं है, सिर्फ उसका खाने का नहाने का ध्यान रखिए आप। जी थैंक यू संतोष जी फॉर बीइंग विद अस। और डॉक्टर अजय गुजरानी, डॉक्टर विपिन शर्मा, आपने जितनी महत्वपूर्ण सलाह लोगों को दी, हमारे पेट लवर्स पेट ओनर्स को दी, और उससे भी ज्यादा कीमती वक्त आपने जो हमें दिया, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यदि आज आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय ना ले पाए हो तो मायूस ना हो, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम पुनः हाजिर होंगे कुछ और पेट केयर संबंधी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.